हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज उमेश भारद्वाज वंस अगेन विद ऑल ऑफ यू। दोस्तों, DHFSB की तरफ से आज ही की डेट में कई सारे नोटिसेज रिलीज किए गए हैं पर्टिकुलर पोस्ट को लेकर। कुछ पर्टिकुलर कैंडिडेट्स की ही बात की गई है सिर्फ। सबसे पहला जो नोटिस है वो है असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए NTT आप जिसको बोलते हैं, पोस्ट को DATE 8/17 को लेकर। जो बात बताई गई है कैंडिडेट के लिए वो ये है कि भाई 5/11/2019 से लेकर 9/11/2019 में EDOGS के लिए लिंक ओपन करना था, जो कि किसी टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से नहीं हो पाया कुछ कैंडिडेट्स के लिए या पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए। उनको एक बार फिर से मौका दिया जा रहा है अपना EDOGS ठीक से फाइल करने के लिए, जो भी डॉक्यूमेंट रह गया था पेंडिंग में वो फिल करने के लिए। और वो फिल करने के लिए जो डेट्स दी हैं वो है 18 मार्च 2022, 25 मार्च 2020। और कैंडिडेट कौन है यहाँ पर ये देख लीजिएगा, रोल नंबर मेंशन है और साथ ही साथ बताया गया है कि क्या डॉक्यूमेंट उनको सबमिट करना है। OBC का सर्टिफिकेट उनको लगाना है, जो भी उनका कास्ट सर्टिफिकेट है बैकवर्ड क्लास क्लास के लिए, OBC सर्टिफिकेट जैसे आप कहते हैं। हो सकता है कैंडिडेट ने सेंटर का सर्टिफिकेट लगाया हो, लेकिन यहाँ पर क्लियर लिखा है OBC चाहिए तो दिल्ली का, ठीक है। सो भाई, जो भी कैंडिडेट हैं इस रोल नंबर पर वो तो ध्यान दीजिएगा, और अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर इश्यू हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जो भी हेल्प हो पाएगी आपको बता दिया जाएगा। ये एक और दूसरा नोटिस है जिसमें PGT फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए बात की गई है फीमेल कैंडिडेट को लेकर। पोस्ट कोड यहाँ पर मेंशन है 95/17। एंड इस नोटिस में भी सेम इशू को डिस्कस किया गया है कि भाई 5/11/2019 to 9/11/2019 ओपन किया गया था लिंक, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से नहीं हो पाया। सेम डेट्स में इनको भी चांस दिया जा रहा है वापस से अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने का। और उनको क्या डॉक्यूमेंट सबमिट कराना है, गेस्ट टीचर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, रोल नंबर रहा ये कैंडिडेट का। आप करा लीजिएगा भाई, देख लीजिएगा जिसका भी सिलेक्शन होना है। ये थर्ड नोटिस है दोस्तों कंप्यूटर साइंस के लिए, PGT कंप्यूटर साइंस के लिए, और पोस्ट कोड है 15/17। यहाँ पर भी सेम इशू है, डेट्स भी जो दोबारा चांस मिल रहा है वो सेम डेट्स में मिल रहा है, 18 मार्च से लेकर 25 मार्च तक उनको चांस दिया जा रहा है। लेकिन इनका जो पहले EDOGS की बात की गई थी वो डिफरेंट डेट्स थी, 17/12/2019 एंड 26/12/2019, ठीक है। कैंडिडेट हैं भाई ये रोल नंबर एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के लिए आप देख लीजिए उनको क्या क्या चाहिए, यहाँ पर क्लियरली मैंशन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बीटेक किया हुआ हो कंप्यूटर साइंस से या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, IT से, ठीक है, या फिर एंड PG डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस का, BSc लेवल का, या फिर DOEC से वो उन्होंने ये चीज़ें की हों, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, मैं नेक्स्ट नोटिस दिखाता हूँ। ये नोटिस है दोस्तों स्पेशल एजुकेशन को लेकर और स्पेशल एजुकेशन टीचर को लेकर, 87/17 ये पोस्ट कोड है यहाँ पर, और 18 मार्च 2020 to 25 मार्च 2020 तक इन्हें भी चांस दिया जा रहा है। रोल नंबर मेंशन है यहाँ पर, उनको अपना BEd का डिग्री एंड मार्कशीट उनको सबमिट करानी है, ठीक है। ये कैंडिडेट जो भी हैं देख लीजिएगा, स्पेशल एजुकेटर के तौर पर आपको अपॉइंट किया जाएगा अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट करा देते हैं तो। एंड लास्ट वन इज़ PGT फिजिकल एजुकेशन का है मेल कैंडिडेट्स के लिए, पोस्ट कोड 94/17 है, और इनको भी सेम डेट्स में चांस दिया जा रहा है। रोल नंबर ये रहा, डॉक्यूमेंट उन्हें सबमिट कराना है अपनी BPED की डिग्री एंड मार्कशीट, और ये EDOGS के अब इसके बाद कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। जितने भी नोटिसेज मैंने दिखाए हैं इनके बाद कैंडिडेट को कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा, अब चाहे लिंक ओपन होता है या नहीं होता है। बाकी लिंक ओपन होगा और एज सून एज पॉसिबल आपने सभी डॉक्यूमेंट्स फिलअप वहाँ पर कर दीजिए, आखिर आपको नौकरी मिल ही जाएगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।